एकदम इतना प्यारा लगता कि अप्सरा एक्चुअली सब बेकार है। अप्सरा क्या 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 मतलब, वो तो आगे पीछे घूमेंगे ना अप्सरा तो। मैंने तो कृत्या की है, कृत्या करता हूँ। हाँ तो ठीक है, कृत्या हम भी कर लेंगे। आप जो साधना करिएगा उससे उग्र साधना हम करेंगे, जो उग्र से उग्र तीव्र से तीव्र साधना, वो साधना करने का मेरा इच्छा तमन्ना। जो कोई धरती पर नहीं किया, जो धरती पर कोई नहीं किया, वो कार्य करने का मेरा इच्छा है। कि तब कोई आदमी बोले कि जो जा रहा लड़का ना, ये किसी साधारण गुरु का शिष्य नहीं, वो निखिलेश्वर जी का ही शिष्य हो सकता है। साधारण का बस का बात है ये नहीं है। अच्छी बात है, पहले निखिल को साधना। लेकिन अभी ना छिन्मस्ता बहुत हमको प्यारा लगता, बड़ा अच्छा लगता। अभी जैसा बात हुआ ना तो हमको बहुत अच्छा लगने लगा अभी, क्योंकि हमको तो पता नहीं था कि दिल्ली था। अभी एक भक्तिनी के पास भी गए थे, नायक लेके गया था, तो बोला कि काली का बिल्ली होता है, तो हमको पता नहीं, लेकिन आप बोले छिन्मस्ता का बिल्ली होता है, तो वो किए तो वही पत्नी के माथा के नीचे आके बोली कि तुम्हारा पति जो साधना कर रहा है वो हम सिद्ध हो गए हैं, एकदम साफ स्पष्ट 4 बजे भोर में बोल रही है। तो पत्नी हमको बताई कि जिसका मुड़ी कटा हुआ माता छिन्मस्ता वो बता रहे थे कैसा सा बात। तो भाई तो मगर फिर पता कहाँ हुआ मेरा, तो फिर कहाँ, बहुत परेशान किया। मगर हमको जीवन में वही दो चीज मिला, एक साधना का एक्सपीरियंस और दूसरा गुरु को चेक किया जीवन में कि कहीं मैं गलत जगह पे तो नहीं ना आ गया। 10-20 आदमी गुरु को चेक करना, गुरु को ठोक बजा के ये बनाना चाहिए। तो देखिए गुरु को चेक करना जरूरी है, हमने भी किया है चेक। हमने भी किया है, मैं तो एक बदमाश आदमी था, भगवान भगवान कुछ नहीं मानता था, ऐसा फंसा कि सदगुरु जो मेरे को अपने पास में बैठा के रख लिया है। कभी कोई पूजा पाठ ये सब कुछ नहीं करता था, उनको गाली बकते पूजा करते था, फेंक देता था मैं। तो ऐसा फंसा है मेरे को सदगुरु देव की सब को भूल के उसी से कर रहा हूँ, बांध के रख लिया है मेरे। बाप के चरण में पड़ गया, इससे सुख और क्या हो सकता है। बाप आपको खाना पीना दे रहा, दी दे रहा है, बात हो ये रहा है, हेलो हो ये रहा है, हमसे खाली नहीं होता है। ओ ठीक है, तो हम मेरे को कोई दूसरा साधना करने का कुछ चीज करने का समय नहीं रहता, केवल सदगुरु का सेवा करता हूँ, ऐसा बांध के रख लिया है। लोग देखते हैं, 1 रुपया नहीं कमाता हूँ, यहाँ लाखों रुपए काल बैताल महाकाल अप्सरा सब कर दिए, और देवी में महाविद्या में भी बहुत महाविद्या को किए, मगर संपत्ति मांग वो सब किए है। तो आप संपत्ति के लिए श्री विद्या का कीजिए, श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी भगवती जगदम्बा का ओम श्री म्रीम क्लीम ऐन सा ओम श्रीम का लिम हर सका हर सकल क्लीम रीम श्रीम शरीर में दौड़ रहा, ठीक है ना। इसलिए माइंड मान हम बोले कि गुरु भाई को नायक को क्या हम हूर का पूछेंगे, कहे कि मेरा बाप का बेटा, वो भी हम भी अपने बाप का बेटा है, दोनों कहे कि कौन मेरा भाई है, उसे हम उसके पास होगा तो हम उसे मदद लेंगे, कहे कि दूसरे के पास उतना खुल के हम नहीं ले सकते हैं जितना अपना भाई से ले सकते हैं। गुरु कोई गुरु भाई के पास कुछ नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं देगा, तो करेगा सदगुरुदेव, उसको चैलेंज करो, डहार के बोलो पेड़ की तरह, उसके शीश से उसकी औलाद है, उसके खून है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। करेगा और करना पड़ता है, मेरे पास बोलने की जरूरत नहीं, मैं किसी और के पास सदगुरुदेव के पास बोलू, सिर्फ कुछ भी करो तो उसको बता के करो। बता के तो करते हैं, बता के तो करते हैं। किसी आपको बात करने का, किसी सवाल लेने का, कुछ लेने का अपना मंत्र लगता नहीं, अंदर सब सदगुरुदेव के पास है, खर्चा और नहीं लगता। दो बात करें, जो माला है उसी से कर लो, बिना माला के भी कर लो, सामग्री नहीं है और सस्ता ही नहीं है। तो जा रहा भाई, देखिए इस अमावस्या 22 तारीख को अमावस्या पड़ रहा, तो हम जा रहे हैं वो अवघड़ को लेके आएंगे इस बार, वो अवघड़ सिद्धि जो गुरुदेव जो अगला बार हम 24 साल पहले किए थे, आज उसका उस दिन हम उसका पुनर्वृत्ति करने जा रहे हैं,
तो आपका भी प्रणाम करते हैं, आप मेरा भाई हैं, बड़ा भाई। मैं अनिश्चित धात्रा में बैठा हूँ, मैं सदगुरु से कोई अवकाश नहीं। कोई बोल रहा हूँ आप मेरे को अवगढ़ यही देना, अवगढ़ को मेरा, अब मैं जा रहा हूँ, 6 घंटा करूंगा, 11,000 गुरु मंत्र पहले करूंगा, मेरे को वो अवगढ़ जो 24 में छोड़े थे वो अवगढ़ को हमको दे दीजिए। देगा काहे नहीं देगा, देना पड़ेगा। हाँ देना ही पड़ेगा, गुरु साधो मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब देता है, देता है जो चाहोगे वो होता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है भाई, परीक्षा बहुत तगड़ा लेता है गुरुदेव। आ लीजिए तो जितना, अरे अरे भैया जी सुनिए सुनिए, वो जितना तगड़ा परीक्षा लेने का मतलब क्या हुआ, उतना तगड़ा बनाना है, बनाना है, इसीलिए उतना तगड़ा लेता है, तगड़े से। तो आप जान रहे ना कि जो तगड़ा ले रहा है उतना तगड़ा बनाना है, कि बेटा को इतना तगड़ा बनाएंगे, मोटा माल चाहिए तो बड़ा बड़ा होना चाहिए, मजबूत वाला, इसलिए वो ठोकता है तगड़े से। तो बोलेगी वो ठोको, हम तो जान रहे कि बेटा काल का औकात नहीं है, काल का औकात नहीं है कि हमको लेकर जाएगा, अगर औकात है तो अजमा के देख ले काल, मैं करता हूँ, क्योंकि जब महाकाल आएगा ना तो उसमें अपना गुरु को बुलाऊंगा, मेरा गुरु 100 नहीं 1000% मेरे को रक्षा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है गुरु के प्रति। जब महाकाल आपके साथ है तो काल क्या करेगा, जान है निखिल ही मेरा महाकाल है, निखिल ही महाकाल है, मैंने स्वतः अपने आंख से देखा है। देखे होंगे भाई, जैन महाकाल में सदगुरु देव आए सन्यासी रूप में, अपने शिष्यों के साथ में महाकाल शिवलिंग में घुसे। हाँ। जो कोई जाता है उसको मैं बोलता हूँ, देखना शिवलिंग में तुमको सदगुरु भी दिखेगा, तो दिखता है, दिखता है। हाँ महाकाल में जन्म जन्म जाके देखे हो, सर ध्यान उसके ध्यान में जाओ, सदगुरु देखो तुम, आपको शिवलिंग भी दिखेगा, निखिलेश्वरानंद निखिलेश्वरानंद दिखेगा। मैंने यहाँ महाकाल बैठाया भस्म चढ़ाता हूँ, मेरे पास बगल में है महाकाली सदगुरु देव का मूर्ति है यहाँ। हाँ वीडियो तो नहीं दिखाया, नायक दिखाया, वीडियो बना ना देखे। शिवलिंग में शंकर गणेश भगवान प्रकट हुआ, मैं गणेश को नहीं मानता, कभी गणेश की जय नहीं बोलता हूँ, तो जबरन आया मेरे पास वो। शिवलिंग में गणेश भगवान आकृति ले दिया, मैं कभी गणेश भगवान की जय नहीं बोलता हूँ, ताकि तो पुत्र है। हाँ मैं एकदम बेर्रा आदमी, जिसको बोलते हैं बेर्रा आदमी, घटिया आदमी हूँ मैं, लेकिन सदगुरु के कार्य के लिए मैं पक्का आदमी, टाइम का पक्का, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई माइक का लाभ नहीं रोक सकता। कोरोना काल में सबसे बेस्ट हमारे गेवर सिद्धाश्रम में हुआ, कहीं नहीं हुआ, शिविर भी बंद हो गया, लेकिन हमारे पूजा कभी इधर नहीं हुआ। अब पीठ को कड़ा करके प्रसाद लेने जाता था सड़क में, पुलिस मारेगा कह के, लेकिन पुलिस मारता नहीं समय को, सबको दौड़ा दौड़ा के मारता था, पीठ को कड़ा टाइट करके जाता था, मारेगा तो सह लूंगा लेकिन प्रसाद लेके आऊंगा ही, अब लेके आता था। पूरे कोरोना काल में यहाँ भव्य पूजा हुआ अपने यहाँ, कोई निखिल से कोरोना नहीं हुआ मेरे एरिया में। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बगला मुखी का किया था 9 दिन तक हवन अखंड, कोरोना ना हो क्या, क्या किसी को कोरोना नहीं हुआ। जाओ यहाँ तो पूरा सामग्री आता था, लेकिन मैं टाइम टाइम में बात करता हूँ, बोलिएगा तभी बात करेंगे, नहीं बोलिएगा बात नहीं करेंगे। वैसे अभी आ रहा था प्रसाद लेने गया था, आ रहा था तो रास्ते में था, तो फोन उठा लिया, मैं तो नहीं उठता, मैं काम में लग जाऊंगा, काम में लग जाऊंगा, सदगुरु जी के 7 बजे आरती होता है, ठीक 7 बजे यहाँ, 7 बजे ठीक 7 बजे आरती होता है, और 3 बजे से यहाँ भीड़ जाता हूँ मैं कार्यक्रम कर, दोनों टाइम करने रोलिंग वही है। अच्छा अच्छा, सदगुरु जी को नहलाना धुलाना, पूछना यहाँ, झाड़ू मारना, वो करना, उसके बाद फूल पान तोड़ना, घूमना, सब उसी में होता है, उसी में पूरा दिन कटता है मेरा, दिन और रात। तो सदगुरुदेव का पहले कर लेना, उसके बाद उनको कर। हाँ भैया, 11,000 मंत्र जपें, गुरु भाई बताया, गोतंत्र काली काट गुरु भाई है, बीर मसानी चंडी सिद्ध किया हुआ है, और बहुत सारा साधना गुरुदेव के बारे में बता रहा गुरु भाई लोग को वीडियो में, यूट्यूब में, तो वही बोला 11,000
11,000 गुरु मंत्र जप लीजिएगा और उसके बाद ही मंत्र का बैठिएगा लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आप पत्रिका में देखते हो तो सदगुरु देखो पुराना पत्रिका से देख लिया करो, कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र ज्ञान से लिया करो। हाँ तो पुराना पत्रिका में ही तो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रयोग है, यंत्र मंत्र तंत्र विज्ञान से ही लिया करो पहले का। हाँ, हाँ। ज्यादा पावरफुल है। हाँ। तो पार्वती जी को बेटी भी बोला था, तो अभी पार्वती जी उसको जल लेकर के स्नान कराती है अभी भी वहाँ, कहाँ पर हिमालय में, कहाँ पर कहा कि राजा दक्ष तो प्रेम प्यार नहीं किया था ना पार्वती जी को, तो इसका मन में भाव हो गया गुरु भाई के मन में, तो बेटी बोल दिया, तो बेटी बोल दिया, तो माता जी जो है वही 15-16 साल का उम्र में आती है, डेली घड़ा में जल लेके वो फूल माला लेके और गुरु भाई साधना में लीन है, नहा देते हैं, नहा देती है माता जी पिता समझ करके और माला पहना देती है, सफलता प्रदान करे। बस बस मैं औरों की तरह अहंकार नहीं करता। दे अहंकार करने का मतलब कहानी वही चौपट हो गया, वही रुक गया, बाकी तो सब अहंकार करते, सब अहंकार करते हैं। मैं नहीं करता, नहीं अहंकार मैंने वही रुक जाएगा ना, मैं तो एक मामूली सा सेवा होता गुरुदेव निखिल का, उसके चरणों का दास हूँ, वहीं पे रहता हूँ, बस वही मेरा कार्य, दूसरा कोई कार्य नहीं है, बस ठीक है। आप आशीर्वाद दिलवा दिए प्रभु से, बहुत कृपा आपका प्रभु, देखिए आशीर्वाद है भाई मेरा क्या है, हम तो दिल देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, हर हर महादेव, जय सतगुरुदेव।